बाबरी मस्जिद विध्वंस के पहले जो फोटोग्राफ सबसे पहले वायरल हुई थी, जिसमें कोठारी बंधु बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़े हुए थे, कुछ कारसेवक भी ऊपर चढ़े हुए थे, और पहली फोटोग्राफ जो बाबरी मस्जिद की बाहर आई थी, उस फोटोग्राफ को लेने वाले मोहन बने जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं फोटोग्राफर, वो हमारे साथ हैं। मोहन जी, क्या हुआ था उस समय में? आप चूंकि बतौर फोटोग्राफर, सीनियर फोटोग्राफर वहाँ गए हुए थे, किस तरीके की सिचुएशन वहाँ थी, और आपकी फोटोग्राफ जब खींची गई तो उस समय वो पहली ऐसी फोटोग्राफ थी जो लोगों ने देखा? जी नमस्कार, आपको भी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। और उस दिन ऐसा था कि अडवाणी जी की रथ यात्रा चालू थी, तो हम लोग को लगा कि फिर पहले 8 दिन मेरी माँ भी, हम लोग सब जाने वाले थे इसमें ही कार सेवक करके, लेकिन मेरी माँ बोली नहीं तू कार सेवक तो है ही, लेकिन तेरा कैमरा है, फ़ोटो निकालता है, तो फिर कैमरा भी मैं लेके गया था, क्योंकि एज अ न्यूज़ फोटोग्राफर कैमरा तो हमेशा किधर भी जाके तो होता ही है। तो जब भी लखनऊ में हम जो जिस दिन पहुँचे उसी दिन पता चला कि लालू जी ने यात्रा रोकी है और उनको अरेस्ट किया गया। फिर उस दिन से जो लखनऊ में आंदोलन सब होता था, सब कुछ होता था, तो वो सब कवर करते करते फिर जिस दिन ऐसा था कि 30 तारीख को पहुंचना था सबको और रथ यात्रा पहुंचने वाली थी, उस दिन हम लोग कैसे भी ऐसे करके पहुंच गए थे फैज़ाबाद। फिर फैज़ाबाद से जो सुबह 4 बजे ठंड बहुत ही 3-4 डिग्री सेल्सियस था, तो हम लोग फैज़ाबाद से पैदल पैदल अयोध्या आए, तो सब जगह किधर शरूई के इधर सब लाशें ये वो सब दिखाई दे रही थी, बहुत आंदोलन और इतना फतरा ये पुलिस की। अर्थ करते हम लोग अयोध्या बाबरी जो ढांचा था उस तरफ आने लगे, तो उसमें मैं उस टाइम थोड़ा सा विस्तार से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि सामने अशोक जी सिंगल को मार रही है पुलिस, हाँ, और पूरे खून लहूलुहान हो रहे थे, मतलब अशोक सिंगल खुद भी मार खा रहे थे उसको। जी जी, और लकीली उनके और उसका टारगेट था कि जो भी आसपास दिखे, मुलायम जी उस टाइम CM थे UP के, हर एक को तोड़ो ही, पूरा जाने नहीं चाहिए कोई भी हालत में। तो ऐसी स्थिति थी कि अशोक जी पूरा लहूलुहान, और लकीली जो उस टाइम के DG थे दीक्षित करके, मुझे थोड़ा सा भी याद है कि वो रिटायर हुए थे यार क्या, उन्होंने पहचाना अशोक जी को और उन्होंने रोक दिया वो जो मार रहे थे पुलिस वाले। तो उस टाइम वो आगे वो फोटो लेके फिर हम लोग आगे गए ढांचा की तरफ, तो देखा तो उस दिन मेरा भाई भी था उस टाइम, वो जो टाइम्स के लिए का टाइम्स ग्रुप में काम करता था, तो उसको पुलिस मार रही थी, वो फोटो ले रहा था इसलिए, तो उसको मैं बीच में हम लोग उसको छुड़ाया कैसे वैसे और आगे चलने लगे। फोटो भी लेने नहीं दे रहे? फोटो बिल्कुल नहीं लेने दे रहे थे। मैं याद है मुझे कितने लोग के कैमरा तोड़े थे शरूई, जब शरूई के ब्रिज के ऊपर से जो अंदर आ रहे थे कार सेवक, तो पुलिस एम ही था कि इसके पार नहीं जावे, अयोध्या की तरफ जावे नहीं, तो बहुत ही शरूई के नीचे लाशें तरंग रही थी, पूरे ऊपर फ्लोट हो रही थी, इतना बहुत खराब माहौल था। तो हम लोग कैसे वैसे करके उधर गए, तो देखा तो वो ढांचे के ऊपर कार सेवक चल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे और ओम का ऐसा सैफरन वो यही कर रहे, फैला रहे। तो उस समय में जब पहली फोटोग्राफ जब आपकी वायरल हुई, क्योंकि उसके पहले लोगों ने दूसरे तरीके से देखा था, पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कार सेवक बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़े थे और फोटोग्राफ आपकी थी, कैसा लग रहा था ये पल कैसा था एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, कि जब इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने थी? मैं तो एज अ फोटोग्राफर वगैरह के पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था इसलिए, और मैं रथ यात्रा भी पूरी मैक्सिमम में मैंने की थी कवर, और मेरी माँ की भी इच्छा थी कि एज अ कार सेवक करके ही जाना है, लेकिन कैमरा होने से कुछ ले भी सका मैं। और एक था कि उस दिन
लगा मुझे, क्योंकि वो मुलायम जी की ये थी पूरा वो वाक्य था, मेरे ध्यान में ही था उस टाइम कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तो हमारे कार सेवकों ने, हमारे संघ स्वयं सेवक वो ढांचे पे चढ़े, वो विश्व का सबसे बड़ा दिन था ऐसा मैं मानता हूँ। क्या उस समय कितने लोग उस पर चढ़े हुए थे, क्योंकि कोठारी बंधु भी उसी समय चढ़े हुए थे, कितने लोग वहाँ पर चढ़े हुए थे और क्या नीचे का क्या मंजर दिखाई पड़ रहा था आपको? मेरे ख्याल से तीनों ढांचे के ऊपर एक पाँच छः लोग तो थे ही 100%, और नीचे हजारों की तादाद में लोग घुस गए थे अंदर। उस फोटोग्राफ के लिए कैसी डिमांड थी जब आपने वो फोटोग्राफ क्लिक की, तो उसके देश भर में कैसी डिमांड थी उसको लेकर, क्योंकि अखबार उस समय उसको लीड पर ले रहे थे? नहीं, एक तो क्या है इंडियन एक्सप्रेस की वजह से पूरा सब एडिशन में गई थी, पूरे देश भर के एडिशन, मुझे लगता है उस टाइम 15 या 17 एडिशन थी इंडियन एक्सप्रेस की, और सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, मुंबई में समकालीन करके थे, हमारा अखबार था गुजराती में, फिर जनसत्ता था। तो मुझे याद है अभी भी कि मैं 5-6 दिन बाद जब इधर गया अखबार में, तभी गांधी डर थे समकालीन, तो मोहन तो आपको मालूम नहीं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने रिकॉर्ड किया है कि अपना एक अखबार अहमदाबाद में 500 रुपये में बेचा गया। फिर ऐसे ही लोकसत्ता पुणे की एडिशन थी इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने भी बोला कि हमारे जो प्रिंट अच्छा नहीं था वो भी लोग ले जाके पढ़ रहे थे, सब जगह अपना अपना मोहल्ले में वगैरह सब चिपका रहे थे वो अखबार। ये एक एज ए पत्रकार किस तरीके का उस समय महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपने बताया कि आप स्वयंसेवक भी थे, आप वहाँ पर कार सेवा के उद्देश्य भी गए थे, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जब आप वहाँ पर देखते हैं तो कितना बड़ा दिन देखते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन आज जो है जब राम मंदिर बन रहा है, उन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो एज ए हिंदू, एज ए स्वयंसेवक, इतना बड़ा जो ये हम लोग इतने सालों से वो देख रहे कि रामलला वही है और वहीं सबसे बड़ी मंदिर वहाँ हो रहा है, और आदरणीय मोदी जी की वजह से, और सब बाधाएं तोड़ के जब ये हो रहा है मंदिर हमारा, तो इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, और कोई हिंदू को भी इससे बड़ी आनंद की त्यौहार जैसा है ही नहीं कोई। कितने फोटोग्राफ आपने उस समय क्लिक किए थे, और सबसे बढ़िया जो फोटोग्राफ था उसमें क्या एलिमेंट थे, अगर आप बता पाएं दर्शकों? नहीं, वही मुझे खुशी होती कि जो मुलायम सिंह बोले थे कि परिंदा भी पर नहीं मर सकता, तो वही सब उधर कार से वो घुसे अंदर ढांचे के आसपास, जितनी सब बाधाएं तोड़ के हजारों स्वयंसेवक पहुंचे और ऊपर भी गुम्बद के ऊपर भी पहुंचे, यही सबसे बड़ी ये थी। तीनों गुम्बद आपके फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहे थे या एक स्पेसिफिक गुम्बद की फोटोग्राफ्स? नहीं, तीनों गुम्बद थे, इसलिए तो पता चलेगा ना कि जो ढांचा है विवादित ढांचा है, मैं तो मानता नहीं कि बाबरी मस्जिद वगैरह विवादित ढांचा है अपना वो था, उसके ऊपर चढ़े, और बाद में आगे 6 दिसंबर को कार सेवकों ने जो करना था वो किया। लेकिन आपका कैमरा नहीं पकड़ा, आपका कैमरा तोड़ा नहीं, आपका जैसे आपके भाई को पकड़ा वैसा आपको पुलिस ने नहीं हाथ लगा? बहुत किया ना, मैंने भी बहुत मार खाया, बंदूक के दस्ते से मार खाए हैं मैंने तो, और मैं तो बोलता हूँ मैं तो कम मार खाया, और लकीली थोड़ा सा होता है अपना कि स्मार्टनेस की कैसे बचावे, क्योंकि बहुत मार खाया मैंने, पुलिस का भी मार खाया है इधर, अनेक आंदोलन में पब्लिक भी मारती है फोटोग्राफर को, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले तो आंदोलक भी मारते थे और पुलिस भी मारती थी, तो थोड़ा सा अनुभव था, थोड़ा सा स्मार्टनेस इसलिए बचा पाया, लेकिन मैं बहुत लोग की फोटोग्राफर की पुलिस ने ले के तोड़ा है इक्विपमेंट। बिल्कुल, जिस तरीके से मोहन बने कह रहे हैं कि ये वो ऐतिहासिक क्षण था, और ख़ास करके जो विवादित ढांचा जिसको विश्व हिंदू परिषद बीजेपी और आरएसएस कह रहा है, वो बाबरी मस्जिद के ढांचे को जिस पर कार सेवक चढ़े हुए हैं, वो पहली फोटोग्राफ
जिस फोटोग्राफर ने निकाली थी वो भारत एक्सप्रेस के साथ थे। उन्होंने बताया कि वो एक अलग तरीके का पल था। उस समय में लोगों को सरयू के बाद भी जाने नहीं दिया जा रहा था और मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बाद भी कारसेवक वहाँ पहुँचे और विवादित ढांचे के ऊपर चढ़े और वहाँ पर सैफ्रॉन झंडा यानी भगवा झंडा उन्होंने लहराया जिस पे ओम लिखे हुए थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वीडियो जेंस बालकृष्ण के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।